विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस बात में कोई दोहराय नहीं कि बीजेपी का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं उनकी? सुन पा रहे हैं विशाल? चले विशाल से हम बहुत जल्द संपर्क साधेंगे और तमाम जानकारी विशाल से जुटाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रथ पर भूपेंद्र चौधरी सवार है, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, किस तरीके से उनके पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और भूपेंद्र चौधरी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। विशाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मिशन 2024 पर तो फोकस है ही, लेकिन इसके साथ ही अगर प्राथमिकताओं की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? विशाल की आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्द विशाल का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी का जब ये काफिला प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचा, लखनऊ में कार्यालय तक पहुंचा, तब वो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। इस बात को उन्होंने दोहराया कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने जमकर सराहना की कि हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं।